तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी के बारे में और इस शेयर में अभी फिलहाल गिरावट देखने को मिल रहा है। 2 रुपए 10 पैसे पे शेयर जो है वो ट्रेड करता हुआ दिखा और आज के दिन 4.55 का ड्रॉप दिखाया ये स्टॉक। पिछले कई दिनों से ये स्टॉक जो है वो लगातार नीचे गिर रहा है, तो अभी ये जो स्टॉक है आपको इसी तरीके से नीचे लोअर सर्किट लगाता हुआ दिखेगा, पर इस स्टॉक में लॉन्ग टाइम के लिए कुछ बेहतर है आपके लिए, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। कंपनी का मार्केट कैप अगर आप हाल फिलहाल देखोगे तो लगभग 3000 के आसपास टच कर गया था, अभी ये कम हो गया है, 2739 का है मार्केट कैप इस कंपनी का। लेकिन 3000 का मार्केट कैप यदि GTL इंफ्रा टच कर रही है 1000 से, तो ये इस कंपनी के लिए बड़ी बात है। पहले इस कंपनी का मार्केट कैप 1000 के आसपास हुआ करता था और अभी ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, और साथ ही इस स्टॉक में यानी GTL इंफ्रा में काफ़ी भारी मात्रा में बल्क परचेसिंग हो रही है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2 रुपए 11 पैसे के भाव पर क्वांटिटी देखें आप, यहाँ पर 12 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर को खरीदा गया और यहाँ पर लगभग 10 करोड़ शेयर को बेचा गया है, यानी खरीदने की संख्या ज़्यादा है। तो इस वजह से स्टॉक में थोड़ा सा तेजी भी आपको देखने को मिला था, लेकिन अभी ये होल्डिंग बना करके रखे हैं। कंपनी का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने यहाँ पर बल्क में परचेसिंग किया है शेयर को। वहीं आज का ट्रेड वॉल्यूम जो है वो आप यहां पर देख सकते हैं 15,36,24,500 का है, और यहां पर आप देख पाएंगे कि 2 रुपए 10 पैसे के भाव पे काफ़ी भारी मात्रा में यहां पर सेल ऑर्डर लगाया गया, जिस वजह से स्टॉक जो है वह ड्रॉप दिखा रहा है। अब ड्रॉप दिखाने की वजह से जो लोग यहाँ 70 पैसे में 1 रुपए में या फिर 80 पैसे में खरीद के बैठे थे ना, वो सारे लोग यहाँ से शेयर को बेच के निकल रहे हैं क्योंकि वो भी प्रॉफिट बुक करेंगे, और अभी GTL इंफ्रा इस वजह से और नीचे ड्रॉप कर जाएगा। बाकी कंपनी का यहाँ क्वार्टरली रिजल्ट जो है वो बहुत जल्दी आने वाला है, जो कि आपको अगले महीने देखने को मिलेगा। तो जैसे ही वो चीज़ें आ जाएंगे मैं उसका भी अपडेट आपको यहीं पे देने वाला हूँ इसी चैनल पे। और लॉन्ग टाइम के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो GTL इंफ्रा स्टॉक है ना काफ़ी अच्छा है, और लॉन्ग टाइम से आप ये मत समझ लेना कि 2 महीने 4 महीने या फिर 5 महीने, मैं लंबे अवधि के लिए बोल रहा हूँ, मतलब कम से कम 2-3 साल आप यहाँ पर आँख बंद करके बैठे रहो, तभी आपको यहाँ से कुछ अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना है, वरना ये स्टॉक ऐसे ही ट्रेड करते रहेगा। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, ये थोड़ी सी तेज़ी दिखाएगा फिर ड्रॉप कर जाएगा, फिर तेज़ी दिखाएगा फिर ड्रॉप कर जाएगा, और लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप रुकेंगे तो यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है, क्योंकि 4G और 5G को लेकर के यहाँ पर काम तेज़ी से चल रहा है। तो इस बीच यदि GTL इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को ऑर्डर मिलता है तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ग्रोथ आपको दिखाएगा ये स्टॉक लॉन्ग टाइम में। बाकी जितने लोग भी निवेश करके इसमें रखे हैं, मैं तो कहूँगा कि आप लोग होल्डिंग बनाए रखें, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, मैं किसी भी स्टॉक में कोई भी अपना राय नहीं देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कोई सेबी वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, आप अपने डिसीजन खुद लें, बट ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, तो मैं आपको वो चीज़ें यहाँ बता रहा हूँ। और हाँ, एक बात बताना था, मेरे जो दूसरे YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर सिर्फ अच्छे अच्छे स्टॉक के बारे में मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर कोई न्यूज़ वीडियो नहीं चलता, बल्कि उन स्टॉक के बारे में मैं डिस्कस करता हूँ जो स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बेहतरीन है और शॉर्ट टर्म के लिए बेहतरीन है। इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।